हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैरेबियन प्रीमियर लीग के 14th मैच की मैच प्रेडिक्शन, जो कि होगा जमैका थलावेज और बारबाडोस ट्रिनिडैड्स के बीच। और यह मैच खेला जाएगा 23 अगस्त की सुबह 3:30 बजे भारतीय समय अनुसार, और यह मैच होगा अमेरिका के फ्लोरिडा में। तो आइए, ये जानने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों में से कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, हम सबसे पहले नज़र डालेंगे दोनों टीमों की बल्लेबाजी के ऊपर और देखेंगे किस टीम की बल्लेबाजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले अगर मैं जमैका थलावेज की बल्लेबाजी पर नज़र डालूं, तो उनके पास विकेट कीपर ग्लेन फ़िलिप्स, बल्लेबाज डेविड मिलर, रॉस टेलर, स्टीव टेलर, कैनन लुइस जैसे बल्लेबाज हैं दोस्तों, और आंद्रे रसल जैसे और इमाद वसीम जैसे ख़तरनाक ऑलराउंडर्स भी हैं। वहीं अगर मैं बारबाडोस ट्रिनिडैड्स की बल्लेबाजी पर नज़र डालूं, तो उनके पास विकेट कीपर निकोलस पूरन, बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ, मार्टिन गप्टिल, हशीम अम्बला, ड्वेन स्मिथ और शाई होप जैसे बल्लेबाज हैं दोस्तों। वही अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं, तो मुझे तो जमैका थलावेज का ही पल्ला भारी लग रहा है, क्योंकि उनके पास आंद्रे रसल जैसा बल्लेबाज है जो अपने ही दम पे मैच का रुख पलट सकता है अपनी बल्लेबाजी से, और इस CPL में वो एक बार ऐसा करके दिखा भी चुके हैं। तो अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, तो मैं 60 दूंगा जमैका थलावेज की बल्लेबाजी को और 40 दूंगा बारबाडोस ट्रिनिडैड्स की बल्लेबाजी को। अब आइए इस पर नज़र डालते हैं कि किस टीम की गेंदबाजी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले अगर मैं बारबाडोस ट्रिनिडैड्स की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ, तो उनके पास एशले नॉस, वहाब रियाज, मोहम्मद इरफान, जेसन होल्डर, रेमन रफियर जैसे गेंदबाज है दोस्तों। तो अगर मैं पहले जमैका थलावेज की गेंदबाजी पर नज़र डालूं, तो उनके पास इमाद वसीम, रोमन पावल, आंद्रे रसल जैसे गेंदबाज है दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं, तो भले ही बल्लेबाजी में जमैका थलावेज का पल्ला भारी हो, पर गेंदबाजी में मुझे बारबाडोस ट्रिनिडैड्स का ही पल्ला भारी लग रहा है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, तो मैं 65 दूंगा बारबाडोस ट्रिनिडैड्स की गेंदबाजी को और 35 दूंगा जमैका थलावेज की गेंदबाजी को। अब आइए इस पर नज़र डालते हैं कि कौन सी टीम मैच जीत सकती है और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं, मुझे क्या लगता है। ये मैच होगा अमेरिका के फ्लोरिडा में, और मैं बैक करूंगा जमैका थलावेज को ये मैच जीतने के लिए। मेरे हिसाब से जमैका थलावेज ये मैच जीत जाएगी, और अगर मैं चांसेस की बात करूं, तो 62% चांसेस है जमैका थलावेज के मैच जीतने के, 38% चांसेस है बारबाडोस ट्रिनिडैड्स के मैच जीतने के। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो है, इसको मैं 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकता, इसको मैं 90-95% सही होने की गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है ये मैच जमैका थलावेज नहीं बारबाडोस ट्रिनिडैड्स जीतेगी, तो आप बारबाडोस ट्रिनिडैड्स के साथ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही मैच प्रेडिक्शन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, जो इन दी एंड आपको मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।